लगन की बात लगन करें में 2-3 लाख, यानी एक बनो। 2-3 लाख तक। अच्छा, दूसरा काम में उतना इनकम थोड़ी ना है। हम पहले मॉल में भी काम कर चुके हैं। अच्छा हाँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 हज़ार रुपये सैलरी हाँ है कि मतलब जितना भी मिल जाए। एक दिन का ऐसा होता है 50 हज़ार भी मिल जाता, 60 हज़ार भी मिल जाता है। एक दिन में। हाँ, क्यों नहीं। जितना हमको नाइट था उसमें मेरा 20 हज़ार, 30 हज़ार मेरा एक्स्ट्रा इनकम हुआ था। 50 हज़ार रुपये एक दिन में कमा लिए हैं, तो उसमें क्या है। अब आए थे दूसरा कुछ के लिए और आके यहाँ पे दूसरा कुछ हो गया। घर पर प्रॉब्लम थे तभी आए हैं बिहार में। हाँ, हम सिंगल साटा करते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9939444। 2-3 लाख तक। एक महीना में हाँ, जाते हैं कहीं भी, पब्लिक पसंद करते हैं, सोचता है नहीं इसको 100 रुपये ज़्यादा देना चाहिए, वायरल गर्ल है। जैसा सब कोई माई मनीषा, काजल राज या कोई भी है, भले हम उनके तरह नहीं बनना चाहते। जैसे सपना चौधरी है, गौरी नागौरी है, उनके तरह हम बनना चाहते हैं। खाली बिहार का डांसर बन के नहीं रहना चाहते हैं। करते हैं मुंह में पैसा लो, लगता है मुंह में पैसा ले लेंगे तो उनका शान बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत घटिया चीज़ लगता है ये चीज़ जो मुंह में पैसा देते हैं। फिलहाल वाली हैं आप। बिहार में कितने दिनों से हैं? हाँ, 2-3 साल होने वाला है। घर पर प्रॉब्लम थे तभी आए हैं बिहार में। तो बिहार के लोग जाते हैं असम, बंगाल, कोलकाता, दिल्ली, वहां के लोग यहाँ पे कैसे क्यों? कैसे क्यों। अब आए थे दूसरा कुछ के लिए और आके यहाँ पे दूसरा कुछ हो गया। क्या करने के लिए आए थे? अच्छा, यहाँ पे मतलब कुछ वेलकम का काम नहीं होता है। अच्छा, वेटर का होटल में आए थे। हाँ, मैरिज हॉल में जैसे लड़कियाँ नहीं खड़े रहते हैं, हाँ हाँ वेलकम का काम के लिए, तो उसी के लिए बुलाया गया था। तो आने के बाद पता चला यहाँ पे कि डांस डांस भी करना पड़ेगा। हाँ तो कौन लाया था वहाँ से आपको? वहाँ से दोस्तों के साथ आए हुए थे। लेडीज़ लेडीज में दोस्त था या जेंट्स में? भी थे, जेंट्स भी थे। हम लोग आसाम से बहुत लोग आए थे, 15-20 लोग आए थे यहाँ पे। वो लोग कहाँ हैं अब? वो लोग तो सब अपने अपने घर चले गए, हम रह गए यहीं पे। हाँ, अच्छा, तो आप पढ़ी लिखी हैं? 10th तक पढ़े हुए हैं। 10th तक पढ़ी हुई हैं? हाँ, तो कितना पैसे कमा लेती हैं लगभग एक महीना में? लगन चलता है तो लगन की बात लगन करें, में 2-3 लाख, यानी एक बनो 2-3 लाख तक। एक महीना में। हाँ, अच्छा, पॉसिबल है इतने कमा? और कोई काम नहीं कमा सकते क्या? अच्छा, दूसरा काम में उतना इनकम थोड़ी ना है। हम पहले मॉल में भी काम कर चुके हैं। अच्छा हाँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 हज़ार रुपये सैलरी, हाँ, उससे क्या होता है। अच्छा, और इसमें? इसमें तो देखिए, जैसे पब्लिक एक्स्ट्रा पैसा भी देते हैं तो उसमें का अपने ऊपर है कि मतलब जितना भी मिल जाए। एक दिन का ऐसा होता है 50 हज़ार भी मिल जाता, 60 हज़ार भी मिल जाता है। एक दिन में हाँ, क्यों नहीं। पॉसिबल है सब इतने? मेगावाट हाँ, हाल ही फिलहाल में बोल हम बॉक्सर में रहा प्रोग्राम किए हुए हूँ, थे, सब मेगावाट बोल रहा उसमें हूँ, हमको नाइट था उसमें मेरा 20 हज़ार, 30 हज़ार मेरा एक्स्ट्रा इनकम हुआ था। 50 हज़ार रुपये एक दिन में कमा लिए हैं, तो उसमें क्या है। अर्निंग अच्छा है इसमें। हाँ, यहाँ पे कौन कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ पे मम्मी और हम रहते हैं। पापा? पापा मेरा नहीं है, लापता है। भैया भाभी हैं, घर रहते हैं आसाम। चासम में रहते हैं वो लोग। हाँ तो अब यहाँ पे आपको रहना है या अपना घर बनाएंगे या कहाँ जाना है नहीं, आपको? पहले जब हम वायरल नहीं थे तब उनका इनकम भी नहीं था मेरा, जैसे कि जैसे 500 हज़ार, 2 हज़ार में भी चौकी में प्रोग्राम कर चुके हैं हम। ऐसा नहीं कि नहीं किए, जब हम वायरल हुए हैं तभी जाके अभी मेरा मतलब साटा महंगा में हो रहा है। जाते हैं कहीं भी, पब्लिक पसंद करते हैं, सोचता है नहीं इसको 100 रुपये ज़्यादा देना चाहिए, वायरल गर्ल है। ऐसा अच्छा, है, तो अभी जब यहाँ पे कमाई का जरिया जरिया भी है, इज्जत भी मिल रहा है वायरल होने के बाद, तो हम क्यों जाएं। एल्बम सफर है आपको? हाँ, बहुत सारे आ रहे हैं एल्बम के ऑफर, लेकिन अभी तो बिजी हैं थोड़ा सा। अच्छा, बीजे आपका पार्टी कौन सा चल रहा है आपका? पार्टी मैनेजर वगैरह है, वही सब चलाते हैं। अच्छा, कोई आपका कांटेक्ट नंबर है जिससे लोग कांटेक्ट कर सके हाँ, आपसे? मेरा इंस्टा एफबी में सब कुछ में दिया हुआ नंबर है। वगैरह कोई है? हाँ, नंबर। अगर लोग साटा करना चाहे तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर है? हाँ, हम सिंगल साटा करते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9939444। उल्लू का आपके पास ऑफर आया कि? हाँ, ऑफर आ रहे हैं, लेकिन अभी हम शो में थोड़ा बिजी हैं तो इस वजह से नहीं हो पा रहा बहुत है। सारे लड़कियों का ये आरोप रहता है कि एल्बम में गलत तरीके से छुआ जाता है, गलत तरीके से बिहेव किया जाता है, तो आपको लगता है कि आप भी जाइएगा तो आपके साथ गलत नहीं होगा? नहीं, देखिए हम पहले सब जांच पड़ताल करके उसके बाद जाएंगे, ऐसे ही नहीं चले जाएंगे जी। हमको बोले हम उठा के चले गए, देखे नहीं
क्या है कैसे, हम सब जानकारी लेके उसके बाद हम जाएंगे अपना टीम के साथ, ऐसा नहीं है अकेले चले जाएंगे। किसके साथ एल्बम करना चाहती हैं? हम देखिए अब अरविंद सिंह है, विनय पांडे है, उन सब का आ रहे हैं ऑफर। अच्छा, प्रिया के पास तो सब कुछ हो गया, इज्जत हो गया, सम्मान हो गया, पैसा हो गया, अब आगे जीवन में क्या करना चाहती है? आगे जीवन पे क्या करना चाहते हैं, चाहते हैं कुछ बन जाए जैसा सब, कोई माई मनीषा, काजल राज या कोई भी है, भले हम उनके तरह नहीं बनना चाहते, जैसे सपना चौधरी है, गौरी नागौरी है, उनके तरह हम बनना चाहते हैं, खाली बिहार का डांसर बन के नहीं रहना चाहते हैं। मैंने सिर्फ आपका मोटो है कि माही मनीषा और काजल राजीव बनना है कि एक्टर भी बनना है? हाँ, एक्टर भी बनना चाहते हैं, एक्टर भी बनना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, आप अपने घर बना ली है या रेंट पर रहते हैं? नहीं, अभी तक अपना घर नहीं बनाया है, शौक है बहुत, अपना घर अपने कमाई से बनाए। कहाँ पे? आसाम पे। आसाम पे? हाँ। तो मतलब यहाँ पे छोड़ दीजिएगा बिहार, आसाम चले जाइएगा? हाँ, आसाम तो जाना आना होता है मेरा, ऐसा नहीं है यहीं पर रहते हैं, जाते हैं जब हम लोगों फेस्टिवल होता है तब जाते हैं। शादी किस लड़के से करिएगा, बिहारी से या आसामी से? वो घर वाले डिसाइड करेंगे, हम नहीं। आपके जीवन में कोई है कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं है। अभी तक सिंगल हैं? हाँ। अक्सर देखा जाता है जो ऑर्केस्ट्रा की जो लड़कियाँ होती हैं कई लड़कों को रखती हैं, प्रिया रह के रखी है कि नहीं? नहीं जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो बिहार में ऐसा सोचते हैं, हमारा आसाम में वैसा नहीं सोचते हैं। हमारे उधर डांस को एक अच्छा नज़रिया से देखा जाता है, बिहार में पता नहीं कैसे देखते हैं वो हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे उधर इज्जत से ही देखते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो आप बिहार में डांस करती हैं तो गलत तरह से आपके व्यू किया जाता है? जो आपके मंगेतर होंगे वो नहीं सोचेंगे कि अरे वो बिहार में गई, कई लड़कियों लड़कों के साथ रही होगी? नहीं, ऐसा क्यों नहीं सोचे, अच्छे घर का, ऐसा आजकल कौन लड़की नहीं है, स्कूल जा रही है तो प्यार मोहब्बत नहीं कर रही है, कॉलेज जा रही है तो नहीं कर रही है, जरूरी है ऑर्केस्ट्रा में ही रह के लड़का पटाए या कुछ करे? इसका मतलब कि प्रिया भी प्यार किए? क्यों नहीं किए हैं, किए हैं कि हाँ। घर कब बसा रहे हैं? घर जब मेरा फैमिली का मर्जी होगा तभी बसाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। तो आसाम का लड़का है या बिहार का? आसाम के, बिहार के तो नहीं। अच्छा, एक और बात है कि लड़के सब पैसा देते हैं मुंह में, तो वहाँ पे स्टेज पे कैसे फील होता है? देखिए, देते हैं वो लोग, ज़बरदस्ती करते हैं, मुंह में पैसा लो, लगता है मुंह में पैसा ले लेंगे तो उनका शान बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत घटिया चीज़ लगता है ये चीज़ जो मुंह में पैसा देते हैं, फिलहाल अपने ऊपर है ले या ना ले। आप लोग भी तो आसानी से ले लेती हैं? अच्छा, ऐसा कभी हो नहीं सकता हम कभी मुंह में पैसा लिए हैं। देखा जाता है कि जो लड़कियां होती है ऑर्केस्ट्रा की वो नीचे आके किसी किसी के गोद में भी डांस करने लगती है? नहीं, देखिए नीचे जाके डांस करना बड़ा बात नहीं है, कोई बुलाते हैं तो जाते हैं, लेकिन गोद में बैठना वो हम कभी नहीं किए हैं, हमको इस बारे में नहीं पता है। चलिए, आखिर में क्या कहोगे अपने दर्शकों से? दर्शकों से यही बोलेंगे, अभी जितना सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक जितना प्यार दे रहे हैं, आप लोगों के बदौलत, हाथ जोड़ के यही विनती है, ऐसे सपोर्ट करते रहें।